और आप मेरी वेबसाइट पे रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। ये जो मैं कह रहा था कि चार लाइन का गोखले ओका डिवीजन बेंच बॉम्बे हाई कोर्ट, इन्होंने मेरे फेवर में ऑर्डर किया था और ONGC और यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में, वो वीडियो आप देख लीजिए। हाँ, इसको पढ़ के भी सुनो। क्लियरली देते हैं जबकि बदमाशी चोरी चमारी करप्शन के हाथ हो जाए किसी इंडिविजुअल विसल ब्लोअर के अगेंस्ट में, तब देते हैं। वी हाउवर एड ए राइडर दैट इन द इवेंट द ऑर्डर पास एट द एंड ऑफ द इंक्वायरी इज एडवर्स टू द पेटिशनर, इट विल नॉट बी एक्टेड अपॉन फॉर ए पीरियड ऑफ 4 वीक्स आफ्टर द सेम इज साउंड ऑफ द पेटिशनर। तो उन्होंने बोला इतना फालतू चार्ज है, ये विसल ब्लोअर है, कई हजार करोड़ की करप्शन लेटर मैटर्स ने पकड़े हैं, इसको अवार्ड मिलना चाहिए। उल्टा तुम फालतू इंक्वायरी लगा रहे हो, कुछ एम्प्लॉइज टर्मिनेट हुए उनकी फैमिली की सिंपथी में लिखा है, इतने फालतू चार्ज लगा रहे हो। तो उन्होंने मेरे फेवर में ऑर्डर करके एंट्री स्पेटिस से ऑर्डर दे दिया। तो उन्होंने बोला अगर तुम्हारे इंक्वायरी तुम्हारे, पहली बात तो मेजर पेनल्टी वाली उसमें कुछ बात ही नहीं थी, माइनर कुछ भी नहीं बनता था कि अगर तुम्हारे अगेंस्ट में इंक्वायरी जाती है। अभी हम नहीं रोक रहे हैं क्योंकि कुछ सुप्रीम कोर्ट के प्रॉब्लम्स है, तो हमने बाहर से लॉक कर दिया इनको कि तुम्हारे अगेंस्ट में रिमूवल तो छोड़ो, वार्निंग लेटर भी इश्यू नहीं हो सकता है। अगर ये करते हैं तो 4 वीक का टाइम है, तुम कोर्ट पे मूव कर जाना खुद या एडवोकेट के थ्रू। और 4 वीक का जो स्टे ऑर्डर था कोर्ट पे मूव करने के लिए था, अनकंडीशनल एंटीसिपेटरी स्टे ऑर्डर, जो कि कंटिन्यू होना था, कोई आर्गुमेंट की जरूरत नहीं थी उसके लिए। इसका मतलब हमारा रिमूवल या अकोमोडेशन का वेकेशन एविक्शन हो ही नहीं सकता था। तो ऐसी चोरी चमारी बदमाशी चीटिंग फ्रॉड करके चलते रहेंगे जुडिशरी में, एडवोकेट जो है और बड़ी बड़ी कंपनियां जजेस को बेवकूफ बनाएंगी और बोलेंगी कि अभी तो ये ऑर्डर हो गया आगे चलो, ऐसा नहीं होता है। चोरी चमारी से ऑर्डर पास किया हुआ और इन्होंने उसको सुप्रीम कोर्ट में चला ही नहीं किया, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है जो आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट में गए नहीं, उस ऑर्डर का रिव्यू भी नहीं कराया और उल्टा चोरी चमारी बदमाशी हेरा फेरी फ्रॉड ऑन कोर्ट ये सब करते रहे। इसके लिए हम एक्सपोज करने के लिए यहाँ बैठे हैं, अभी फर्दर कोर्ट में मूव करेंगे। जज ने अपनी गलती मान ली, गलती मानने से नहीं होता है, तो तुमको अपना ऑर्डर रिकॉल करना पड़ेगा, ये नहीं बोल सकते रिव्यू में करा लो उस पर ठीक कर देंगे। तो और जो 20 करोड़ कंपनसेशन मांगा एक पैसा कम नहीं लेंगे, और कई करोड़ का मेरा अपना पैसा है उसमें, तो ये मैं दिखा रहा था। दूसरा, अभी आगे बढ़ने से पहले मैं कश्मीर समस्या का हल बताता हूँ, छूटा जाए दोबारा बताते हैं क्योंकि बार बार डिमांड हो रही है क्या सोल्यूशन है। तो कश्मीर समस्या 65 साल से चल रही है और सबसे बड़ी समस्या कंट्री की, कई लाख करोड़ खर्च हो चुका है उस पर, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग्स ये वो, तो एक ठेले का सोल्यूशन ही निकला उसमें। हमने सोल्यूशन कर दिया 5 मिनट में, क्या कि चिदम्बरम तुम भी सुन लो, शिंदे RR पाटिल सब सुन लो, और PM और प्रेसिडेंट तुम भी सुन लो, और इंडिया का पाकिस्तान का PM प्रेसिडेंट ओबामा तुम भी सुन लो। तो हमने क्या सोल्यूशन किया कि कोई डिमांड मत रखो कि तुम्हारी जो डिमांड है किसी को हम वापिस लेने के लिए नहीं बोल रहे हैं, तो हथियार छोड़ दोगे तब बात करेंगे वरना नहीं करेंगे, छोड़ दो ये बातें, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में बात करोगे तब बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, वो भी छोड़ो। ये बाउंड्री लाइन है कश्मीर आजाद कश्मीर के बीच में, इसको मानोगे तो बात करेंगे, नहीं करेंगे ये भी छोड़ो। तो ये सब कंडीशन छोड़ दो और बोलो इस पे बात चल रही है, चलती रहेगी, कोई डिमांड बंद करने को नहीं बोल रहे, तुम करो क्या, दोनों साइड के जो लोग हैं इनका भला करो, इनका वेलफेयर को, उनको रोटी कपड़ा मकान दो, पैसा दो,
और इनके जवानों को नौकरी दो, और उसके लिए पैसा कौन देगा? पैसा देगा इंडिया, पाकिस्तान पैसा देगा, दोनों साइड की पब्लिक, ओबामा पैसा देगा, यूएनओ पैसा देगा, वर्ल्ड की कंट्रीज पैसा देंगे। और वो पैसे का खर्चा कैसे हो? गवर्नमेंट खुद मत खर्च करते अकेले, जो गवर्नमेंट है और एजिटेटिंग पार्टीज है, टेररिस्ट ग्रुप बोलते हो, जो भी बोलते हो, सबको इन्वॉल्व करो उस पैसे के खर्चे में। सबकी मर्जी से पैसा खर्च हो तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, और इंटरनेट पे रखो उसका हिसाब, और प्रॉब्लम कश्मीर की सॉल्व। ये है, इतनी देर में तो आपका मैगी भी नहीं बनती 2 मिनट, जितनी देर में हमने कश्मीर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया। तो अपनी कैपेबिलिटी देखो और विसिल ब्लोअर की कैपेबिलिटी देखो, दोनों में क्या फर्क है? क्योंकि यही सोल्यूशन अगर पीएम देगा, पॉलिटिकल पार्टीज देंगे, तो पार्टीज एक दूसरे के टांग खींचती रहेंगी। और ओबामा भी करना चाहेगा तो नहीं कर सकता, बोलेंगे दो सॉवरेन कंट्रीज है स्वतंत्र, तुम उस पर टांग क्यों उड़ा रहे हो ओबामा? तो ये सोल्यूशन है। अगर इसमें सोल्यूशन में पीएम प्रेसिडेंट इंडिया और पाकिस्तान ओबामा या किसी ने ध्यान नहीं दिया तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, और कोई पॉलिटिकल पार्टी उस पर पंगा अड़ाएगी तो उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। और पब्लिक हमारे साथ है, बड़े बड़े इंटेलिजेंसिया थे जंतर मंतर पे, प्रोफेसर थे, उन्होंने बोला हमारी बात सही है। तो ये कश्मीर समस्या का हल हो गया 2 मिनट में, 5 मिनट तो बहुत बोल दिया मैंने, इतनी देर में तो मैगी भी नहीं बनती है, नूडल्स। हाँ, तो हम आगे आते हैं एंटी करप्शन की बात पे। तो एंटी करप्शन में मूल बातें ये है कि अन्ना हजारे टीम का जो जनलोकपाल बिल है, कचरे के डब्बे फेंकने लायक भी नहीं है, और गवर्नमेंट का भी, दोनों फालतू। और दूसरा एक है विसल ब्लोअर एक्ट। अच्छा, उसमें कमियां क्या है? कमियां ये है कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस को क्यों छोड़ दिया, पहली बात मैंने समझाया अभी, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट को क्यों छोड़ दिया, जिनकी वजह से बोलते थे करप्शन होता है, इन दो चीजों की वजह से। फिर तुम अपना नाम पता रखो इंटरनेट पे, अपने पैसे का हिसाब दो, पब्लिक मनी से बनी है तुम्हारी कई करोड़ रुपए की पब्लिक वेबसाइट इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उस पर पब्लिक को मैसेज आने दो, जो फेवरेबल अपने चमचों के फर्जी मैसेज है वो रखते हो, और जो अनफेवरेबल मैसेज है पब्लिक के और विसल ब्लोअर की टीम का नाम भी नहीं आने देते हो, तो उसको छोड़ दो। और आज कल है ना, कितने 2-4 मिनट रह गए, तो कितने मिनट रह गए? 7 मिनट। हाँ, 7 मिनट रह गए। तो दूसरा है जुडिशियल अकाउंटी। हाँ, और ये जो वेबसाइट है करप्ट वेबसाइट है, इसलिए अन्ना हजारे टीम का जनलोकपाल बिल भी वो भी करप्ट था, और गवर्नमेंट का भी, गवर्नमेंट का तो उससे भी बेकार था। दूसरा है विसल ब्लोअर बिल। तो विसल ब्लोअर भी उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी एक्ट, बेवकूफ बनाने का करप्ट बिल है। क्यों? विसल ब्लोअर का नाम गुप्त रखोगे, कॉन्फिडेंशियल रखोगे, जानबूझ के बदमाशी करते हैं ब्यूरोक्रेट, ताकि उसकी आवाज ही सामने ना आए, वो रिटायर हो और मर जाए। जो विसल ब्लोअर खुद बोलता है कि मेरा नाम गुप्त रखो, कॉन्फिडेंशियल, उसका तो रखो, जो सामने आना चाहता है उसको क्यों नहीं रखोगे, उसके उसके मैटर पे क्यों नहीं ध्यान दोगे? तो ये बदमाशी है, करप्शन है। एक चौथा है, तीसरा है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल। तो ये जजेस को और दबाने के लिए है, एंटी करप्शन बिल नहीं है। चीफ जस्टिस को भी दबाओ और जजेस को भी, और रिमोट कंट्रोल करो, जैसे सोनिया गांधी रिमोट कंट्रोल करती है पीएम का, और ममता बनर्जी करती है पीएम का कंट्रोल, ऐसा कंट्रोल करो। तो ये बदमाशी है। एक चौथा है फालतू बिल, सिटीजन चार्टर बिल। तो ये जो सिटीजन चार्टर बिल है, तो ये पहले से सारी वेबसाइट पर था, सीबीआई, सीबीसी, एनजीओ की साइट पे, उसको नई बोतल में डाल के बोल दिया है कुछ नहीं। अगर कोई ऑफिसर, कोई एम्प्लॉय काम में थोड़ा सा डिले करेगा तो छोटा मोटा 500,000 का जुर्माना कर दोगे, उसको भी ना देने के 50 बहाने हैं। फालतू बिल, पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाला। एक है आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट में क्या होता है कि जो बीच का ऑफिसर है, मिडिल लेवल का ऑफिसर, सीपीआईओ बनाएंगे उसको, सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, और उससे थोड़ा सा ऊपर एक अपील अथॉरिटी। तो बड़ी बड़ी कंपनीज में जुर्माना है सिर्फ 25,000,
तो बड़ी बड़ी कंपनीज में सीएमडी डायरेक्टर है और जो बड़े अधिकारी है बोलते हैं जुर्माना दे दो, किसी भी छोटे मोटे एडवोकेट जज ठेकेदार से दिलवा देंगे। इन्फॉर्मेशन मत देना, बहाना क्या लगाना कि ये इन्फॉर्मेशन में पब्लिक इंटरेस्ट की कोई बात नहीं है, जो कि आरटीआई एक्ट का वॉल्यूशन है। जुर्माना किस पे लगना चाहिए? हेड पे लगना चाहिए, सीएमडी डायरेक्टर और हेड्स पे। तो ये आरटीआई एक्ट को फालतू एक्ट बना दिया है। और मेरा क्या कहना है कि करप्शन मिटाने के लिए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट और दूसरा मैंने एक पॉइंट क्या था कि प्रेसिडेंट को बना दो लोकपाल कम प्रेसिडेंट, और गवर्नर को बनाओ गवर्नर कम लोकायुक्त। वो क्यों छोड़ दिया? तो उसके पीएम उसके अंडर में है, सीबीआई उसके अंडर में है, फालतू डिस्कशन करते रहे पार्लियामेंट में और पब्लिक को बेवकूफ बना दिया। और फ्रॉड से बनते हैं पार्लियामेंट में बिल, जो ब्यूरोक्रेट होते हैं बदमाशी करके या मजबूरी में, वो जो पब्लिक के मैसेज है पहले तो लेते हैं बैलगाड़ी से, मतलब स्पीड पोस्ट से या डाक से, और इंटरनेट से सिर्फ नाम के लिए, क्योंकि इंटरनेट वेबसाइट नहीं है वो, और वो सारे मैसेज अपने पास रखते हैं और अपना सड़ी गली खिचड़ी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सामने जो कमिटीज बनती है रिकमेंडेशन के लिए या जो बिल पास करने के लिए, और बोलते जल्दी जल्दी आधी पास करो, और बेचारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को पास करना पड़ता है। ऐसे फ्रॉड तरीके से बिल बनते हैं कंट्री के अंदर में, और क्योंकि लॉ जो बनता है उसी के बेसिस पे, तो लॉ भी फ्रॉड है और कंट्री के बिल भी फ्रॉड है। तो जब तक हमने जो बोला है रिकमेंडेशन दिए वो नहीं होगा तो ये बदमाशी चलती रहेगी। तो दूसरा, कोर्ट और इंक्वायरी के अंदर लगाओ कैमरा, करोड़ों के जो पेंडिंग मैटर है जीरो हो जाएंगे थोड़े दिन के अंदर, और सारी हेरा फेरी बदमाशी इंक्वायरीज में खत्म हो जाएगी, और ये जो इंडिया बन जाएगा सोने की चिड़िया, इनकम टैक्स हो जाएगा जीरो, सेल टैक्स जीरो, ट्रेन टिकट जीरो, हम करा दें। तो लेकिन ये होने नहीं देते हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हाथ बंधे हुए, पीएम के हाथ बंधे हुए, पीएम को रिमोट कंट्रोल कर लेगी सोनिया गांधी, ममता बनर्जी एंड सो ऑन, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पार्टी व्हिप जारी कर देगी, इसी पे ठप्पा लगाओ नहीं तो तुम्हारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है तुमको बाहर कर देंगे। सर दो मिनट, तो ये करप्शन के जो मेजर्स है डिटेल मेरी वेबसाइट पे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं उसको कंटिन्यूअली अपडेट करता हूँ अपनी वेबसाइट को, तो वो हम सब रख देंगे। तो अभी क्योंकि ये कोर्ट ऑर्डर में हेरा फेरी हुई, बदमाशी हुई, चीटिंग हुआ, फ्रॉड हुआ, तो पब्लिक को करप्शन क्या है कंट्री के अंदर बाकी सब जगह पे और कोर्ट में वो एक्सपोज करने के लिए हम आए थे। अभी हम फर्दर कोर्ट में मूव करेंगे और वो ऑर्डर ले लेंगे जो ऑर्डर हमने पहले ही ले लिया था, और बदमाशी हेरा फेरी चीटिंग करके कोर्ट को उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे, उसको एनफोर्स कराएंगे। जो रिकमेंडेशन हमने दी एक एंटी करप्शन की, गवर्नमेंट ने नहीं मानी या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, तो उसकी खैर नहीं है, और किसी सेलिब्रिटी ने उसके लिए कुछ नहीं किया अगर, तो उसका बायकॉट कर देंगे, सेलिब्रिटी हो, मीडिया हो, कोई भी हो। और अगर मेरी कश्मीर की रिकमेंडेशन नहीं मानी तो पीएम प्रेसिडेंट हो दोनों साइड के और ओबामा, तीनों की खैर नहीं है, वो हम देख लेंगे। और कोई उसमें पंखा लगाएगा तो उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो कितना रह गया? एक मिनट। तो ये मेरे जनरल रिकमेंडेशंस है जो मैंने वेबसाइट पे अपनी डाल दी हैं। मीडिया पूछता है आपको कवर कैसे करें, आपके समर्थक कहाँ पे हैं? अरे भाई, सेवरल करोड़ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफिसर्स हमारे समर्थक हैं, सपोर्टर हैं, और एडवोकेट्स हैं कई करोड़, और भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अभी वो सामने आ गए, तुमने उसको पब्लिक किया नहीं, जैसे पब्लिक किया अन्ना हजारे और बाबा रामदेव के मैटर, तो क्या होगा? उनका भी ऐसे फ्रॉड तरीके से रिमूवल हो जाएगा, उनका भी नौकरी चली जाएगी, और उनकी फैमिली को धक्के देके बाहर निकाल देंगे कोर्ट की छुट्टी वाले दिन, जबकि मैटर कोर्ट में है विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर, और उसके फोटो वीडियो नहीं देंगे, और कोर्ट में जाकर झूठ बोलेंगे कि साहब हम तो हाथ जोड़ के गए थे और ये अपनी मर्जी से चले गए। ऐसी बदमाशी हो जाएगी। उसको रोकने के लिए मैं अकेला सामने आया हूँ, और अकेला मैं 100 करोड़ से ऊपर के बराबर हूँ,
एडवोकेट लॉ जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जानते हैं, सब जानते हैं। और अकेले मैंने डिविजन पर 2 जज की बेंच से ऑर्डर लिया हुआ है। इन्होंने बहुत पैसा खर्च करके लॉ की बड़े बड़े फर्म की, उसको एक दिन में हरा दिया। इन्होंने चैलेंज उसको रिव्यू के लिए चैलेंज नहीं किया हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया, और उसके बाद में बदमाशी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमारे पॉकेट में है, तो ऐसा नहीं चल सकता है। ऐसी हेरा फेरी, बदमाशी, चीटिंग, तो उसको हम अभी देख लेंगे। और हम अकेले काफी है, किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमको किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है। तो ये जो हम बोल रहे हैं, जस्टिस को एनफोर्स करना हमको आता है, कोई हम भिखारी नहीं है या किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। थैंक यू।